या नहीं है, तो इसी आधार पे आपका इसका रहेगा नॉट गिवन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखें। सेकंड देख लीजिए, साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड अ साइंथेटिक कॉर्क। साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा साइंथेटिक कॉर्क विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर एज नेचुरल, यानी कि साइंटिस्ट ने ऐसा आर्टिफिशियल कॉर्क तैयार कर लिया है जिसमें सेम सेलुलर है नेचुरल कॉर्क, यानी कि नेचुरल कॉर्क जैसा ही उन्होंने साइंटिस्ट ने तैयार कर लिया है या नहीं। अभी देख लेते हैं किया है या नहीं तैयार। यहां से देखिए, द बार्क ऑफ द कॉर्क ओक हैज अ पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर, मिल गया आपको की पॉइंट, सेलुलर पूछा था, विद अबाउट इतने मिलियन सेल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट टेक्नोलॉजी हैज नेवर सक्सीडेड इन रिप्लिकेटिंग, यानी इस टेक्नोलॉजी को बदला नहीं गया अब तक, ओरिजिनल है ये, नेचुरल की बात बताई गई है, तो इसको टेक्नोलॉजी ने हैज नेवर सक्सीडेड इन रेप्लिकेटिंग, इसकी कॉपी करने में ये कामयाब ही नहीं हुई टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है, क्या कर दिया उन्होंने साइंटिस्टिक कॉर्क, सेम बना लिया है? नहीं, तो आंसर रहेगा आपका फॉल्स। आगे देखते हैं थर्ड, इंडिविजुअल कॉर्क ओक ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट फॉर 25 ईयर्स। हिंदी बना के देखिए, जो इंडिविजुअल कॉर्क ट्री है उसको मस्ट बी लेफ्ट, छोड़े जाने चाहिए 25 साल तक बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड हार्वेस्ट, पहली कटाई और सेकंड कटाई करने के बीच में उनको 25 साल छोड़ा जाना चाहिए, ऐसी 25 साल पहली कटाई और दूसरी कटाई के बीच में छोड़ा जाना चाहिए। अभी देख लेते हैं कटाई की बात कहाँ आती है इसमें, ये देखिए 25 ईयर्स था वहां, ये मिल गया आपका की पॉइंट 25 ईयर्स, फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ द कॉर्क सैपलिंग होता है छोटा पौधा टू द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक 25 ईयर्स, 25 ईयर लगते हैं अभी पहली कटाई में, ये बताया गया, ये नहीं बताया कि पहली कटाई और दूसरी कटाई के बीच में 25 साल छोड़ने हैं, नहीं, पहली कटाई में 25 साल लग रहे हैं और दूसरी में देखते हैं एंड अ गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली अ डिकेड, और फिर 10 साल का गैप होना चाहिए, मस्ट सेपरेट हार्वेस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल ट्री, उसके बाद अ डिकेड, मतलब कि 10 साल का गैप होना चाहिए, 25 का नहीं होना चाहिए भाई, 10 साल का गैप होना चाहिए, तो इसलिए आपका इसका आंसर रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ओक बार्क शुड बी स्ट्रिप्ड, होता छीन करना उसको, मतलब कि जो उसको उतारना, कोर्क की जो बार्क है भाई शुड बी स्ट्रिप्ड, उसको उतारना है, जो ड्राई एटमोस्फेयर कंडीशन में उतारना चाहिए, ड्राई मतलब सूखा हुआ, वेट होता है गीला, तो जब वो सूखा हुआ होता है बिल्कुल, उसको तब उतारना चाहिए भी उसकी छाल को ऊपर से। अभी देख लेते हैं सूखे मौसम में उतारना है या गिल्ले में, ये देखिए, इफ द बार्क इज स्ट्रिप्ड, उतारी जा रही है ऑन अ डे व्हेन इट इज टू कोल्ड, जब ठंड होएगी भाई तो ड्राई कहां से हो जाएगा वो, और व्हेन द एयर इज डैम्प, एयर डैम्प मतलब कि नमी, गिल्ली होती है जिसमें नमी होती है हवा में, द ट्री विल बी डैमेज, यानी कि ठंडे वेदर में और डैम्प नमी वाले वेदर में तो वो डैमेज हो जाएगा ट्री, तो इसका मतलब क्या है कि वो जब सूखे या गर्मी वाले मौसम में ही चलेगा फिर, ठीक है, तो इसका क्या रहा आपका ट्रू। द ओनली वे टू रिमूव द बार्क फ्रॉम द कॉर्क ओक ट्रीज इज बाय हैंड, सिर्फ एक ही रास्ता है भाई बार्क जो उतारना है कॉर्क के ट्री से, जो उसकी छाल उतारनी है मतलब कि, वो हाथ के द्वारा ही उतारी जाती है बस। अभी देख लेते हैं, अकेले हाथ के द्वारा ही उतारी जाती है या और कोई तरीका भी है, देखिए, ये देखिए, प्रोफेशन नो मैकेनिकल मीन्स ऑफ स्ट्रिपिंग कॉर्क बार्क हैज बीन इन्वेंटेड, मशीन वाला तो कोई उसको उतारने वाला अभी इन्वेंट ही नहीं हुआ, सो द जॉब इज डन बाय टीम्स ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर्स, तो वर्कर्स काम करेंगे तो वर्कर ही उतार रहे हैं अभी इसको, तो वर्कर हाथों के साथ ही उतार रहे हैं, मशीन के साथ तो कोई उतारेगा ही नहीं, बताया कि टेक्नोलॉजी तो कोई है ही नहीं, तो वर्कर हाथों से ही उतारेंगे, स्किल्ड वर्कर्स, तो इसलिए आपका इसका आंसर रहेगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।
फिर इन द ब्लैंक्स पर आते हैं, वन वर्ड ओनली में है, ठीक है। वन वर्ड ओनली, एक वर्ड से ज्यादा हम लिख नहीं सकते। एक तो एडवांटेज है, एल्यूमिनियम स्क्रू देखिए कहां पर है, कैप एल्यूमिनियम की बनी हुई कैप है और एक कोर्क बोतल है भाई। अभी देख लेते हैं एल्यूमिनियम और उसमें डिफरेंस बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, डू एडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम स्क्रू कैप की फायदे क्या हैं? डू नॉट अफेक्ट द डैश ऑफ बोतल कंटेंट्स, कंटेंट मतलब सामग्री। डू नॉट अफेक्ट द डैश, बोतल की क्या सामग्री है, क्या चीज है बोतल के अंदर जिसको वो इफेक्ट नहीं करता है, जो ये कैप लगाते हैं वो किस चीज को इफेक्ट नहीं करती है। तो अभी देख लेते हैं, द थिनेस्ट कॉन्सेंट्रेशन एज लिटल एज 3 or 4 पार्ट्स ऑफ ट्रिलियन कैन स्पॉइल द टेस्ट, किस चीज को खराब कर देगा वो, टेस्ट को ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन्ड इन द बोतल। तो वो किस चीज को खराब कर देगा भाई, स्पॉइल करना, खराब करना उसके टेस्ट को, तो बचाएगा कौन, डू नॉट अफेक्ट द, अब अगर वो बोतल लगा रखी है, ठीक है, बोतल कंटेंट्स की, तो वो किस चीज को अफेक्ट नहीं कर पा रही, उसके टेस्ट को। आर डैश टू प्रोड्यूस, पैदा करना यानी उगाना, उगाने में कैसी है भाई ये देख लेते हैं इसी के आगे। द रिजल्ट हैज बीन ग्रेजुअल येट स्टडी मूव, ठीक है। टू सब्स्टिट्यूट्स आर चीपर टू मैन्युफैक्चर, अब यहां देखना है प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना पैदा करना और मैन्युफैक्चर भी बनाना, कैसा है अभी इसको बनाना, चीपर सस्ता है, तो आंसर आपका रहेगा चीपर। नेक्स्ट देख लीजिए, आर डैश टू यूज, यूज करने में कैसा है भाई ये, मैन्युफैक्चर हो गया। इन दिस केस स्क्रू कैप्स मोर कन्वीनियंट फॉर यूजर, यूजर के लिए वो ज्यादा क्या है, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक है भाई, तो कन्वीनियंट लिख दीजिए इसमें, आर कन्वीनियंट टू यूज। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नाइन्थ देख लीजिए, एडवांटेज ऑफ कोर्क बोतल की फायदे देखते हैं। सूट द डैश ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की किस चीज को ये सूट करता है, नाइन्थ देख लेते हैं अभी। द क्लासिक कोर्क स्टॉपर आगे डज हैव सेवरल एडवांटेज, हाउएवर फर्स्टली इट्स ट्रेडिशनल इमेज इज मोर इन कीपिंग विद दैट ऑफ टाइप ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स, ट्रेडिशनल क्या है इसकी इमेज, यहां क्या दिया हुआ है, सूट द डैश ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सूट द डैश, किस चीज को सूट करती है क्वालिटी प्रोडक्ट के, यहां दिया हुआ है कीपिंग विद द टाइप ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की, किस चीज को, इमेज को, इमेज इज मोर इन कीपिंग, तो इमेज को सूट करती है भाई। मेड फ्रॉम अ डैश डैश मटीरियल, कैसे मटेरियल से बनी हुई है भाई वो देख लेते हैं। कोर्क इज अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट, वहां है मटेरियल, यहां है प्रोडक्ट, कैसा है प्रोडक्ट, सस्टेनेबल, तो आंसर आपका रहेगा सस्टेनेबल। आंसर बहुत पास पास है भाई, ठीक है, लास्ट में आपको तो बिल्कुल आसानी होनी चाहिए इसको करते हुए। 11 देख लीजिए, इजली डैश, आसानी से क्या किया जा सकता है उसको, इजली दैट कैन बी रिसाइकल्ड विदाउट डिफिकल्टी, बिना समस्या के यानी बहुत आसानी तरीके से क्या किया जा सकता है, रिसाइकल्ड। कोर्क फॉरेस्ट एड, किस एड मतलब मदद करना, कोर्क के जो फॉरेस्ट जंगल है वो किस चीज में मदद करते हैं भाई, 12 अभी देख लेते हैं। कोर्क फॉरेस्ट मिल गया, आर रिसोर्स विच सपोर्ट लोकल बायोडाइवर्सिटी, सपोर्ट करना, हेल्प करना, बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करते हैं। आगे देखिए, कोर्क फॉरेस्ट स्टॉप डैश हैपनिंग, किस चीज को होने से रोकते हैं, एंड प्रिवेंट रोकना,
डेजर्टिफिकेशन, रोकना मतलब स्टॉप, डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं। थैंक यू। आ गया जी समझ आपको।